ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे जो रिफ्लेक्शन होता है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ, डेराइव नहीं करूंगा मैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डेरिवेशन सब किए हुए हैं, ठीक। अपन का उद्देश्य है क्वेश्चंस करेंगे बस, अच्छे अच्छे तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है इस रिफ्लेक्शन का, देखो। तो ये मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है, सबसे पहले इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, देखो ये। तो नॉर्मल पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी पे एक रे इंसिडेंट कर दी, तो ये आ गई रे, इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमें देखना है, तो इसे हम बोलेंगे ई आई कैप। ई आई कैप क्या है, इस डायरेक्शन में एक क्या, यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका एंगल कितना है, तो ये नॉर्मल के साथ देखो थीटा एंगल बना रही है। चलो भाई, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई आई कैप कॉस थीटा, मतलब वन कॉस थीटा, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड तो वन ही होगा ना, यूनिट वेक्टर है। ये हो जाएगा वन साइन थीटा, ठीक है। हमें पता है जितने एंगल पे ये आता है उतने पे ही ये वापस चली जाती है रे। तो देखो ये भी थीटा है और ये रे चली गई। तो इस रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर लो जिसे हम बोलेंगे ई आर कैप। इसके भी दो कॉम्पोनेंट्स आप कर सकते हो, ठीक। ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये हो जाएगा ई आर कैप कॉस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं ज्यादा, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है, ठीक है। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, तो इसका वेक्टर फॉर्म का जो लॉ बनता है वो होता है ई आर कैप, मतलब रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, बराबर होता है ई आई कैप। पता है किसी को, बोलो, ई आई कैप माइनस टू टाइम्स डॉट ई आर कैप, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, मतलब स्केलर क्वांटिटी बन गई, तो इसमें इनटू होता है नॉर्मल मल्टीप्लाई किसका, एन कैप का। जहां एन कैप क्या है, तो एन कैप है नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप। इतना सबको याद होना चाहिए, ये अब ऐसा नहीं बोल सकता कोई कि प्रूफ नहीं करवाया है हमने, क्योंकि ये सब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब ऐसे प्रूफ थोड़ी ना करना है, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूं, देखो ग्रुप में सब लोग। अरे कौन सा ग्रुप है यार, G2। चलो भाई सब लोग इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। सर बोलो, एन कैप है ना डॉट के साथ, ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, अंदर डॉट है, अंदर डॉट है। रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, मतलब ई आर कैप ही हमें निकालना है। तो ई आई कैप, पहले तो इंसिडेंट रे जो है, देखो ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप, तो ये यूनिट वेक्टर थोड़ी है, तो इसको यूनिट वेक्टर बना दो। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप, क्या कर रहे हैं इसमें, डिवाइड तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया यूनिट वेक्टर ई आई कैप माइनस टू ई आई कैप। तो ई आई कैप फिर यही है,
ठीक, यही फिर से लिख दो, और डॉट ई आर कैप। सर उधर डॉट में एन कैप होता है ना? सॉरी सॉरी यार सॉरी, यहाँ बेटा ये डॉट में एन कैप है यार, गलत लिख दिया, डॉट एन कैप है। ठीक, तो यहाँ पे ई आर कैप और इसका एन कैप। अब देखो एन कैप है, इसमें दिया है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? हाँ बिल्कुल यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों का डॉट कर दो और फिर इन टू में यही एन कैप कर दो, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू, बस ये आंसर हो जाएगा। बोलो ये तो कर ही लोगे सब लोग? हाँ सर कुछ सर। हाँ बोलो सर, वो वेक्टर फॉर्म में देखा तो ई वन का एक बार वो डायग्राम दिखाओ ना। बोलो ई वन स्लैंटिंग नीचे की तरफ है और माइनस एन कैप भी नीचे की तरफ आएगा, तो उनका नेट प्रोडक्ट ऐसे ऊपर की तरफ कैसे आएगा? माइनस एन कैप कैसे नीचे की तरफ आएगा? नीचे आएगा ना वेक्टर। तो ये दोनों का वेक्टर एडिशन ऊपर कैसे आएगा? एन कैप नीचे कहाँ है भैया? माइनस एन कैप, वो नेगेटिव साइन है। सर ये हमें नहीं बताया था एक्चुअली। हाँ सर, हम देखो इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, समझो ठीक है, समझना कैसे करते हैं इसको हम लोग। देखो ध्यान से, ये हो गया नॉर्मल, तो ये क्या आ गया? एन कैप आ गया। अच्छा जो मिरर का पैरेलल टू मिरर है इसको भी एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, चलो टी कैप मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इंसिडेंट रे ई आर कैप थीटा एंगल, ये इंसिडेंट रे, ये भी थीटा एंगल, ये है ई आई कैप, ये और ये लिख दो, तो ये एंगल थीटा होगा, ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। अब इसका डायरेक्शन बताओ, वेक्टर है तो वेक्टर में ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा जे कैप, ये क्या आएगा? साइन थीटा आई कैप, टी कैप, सॉरी साइन थीटा टी कैप, ऐसे इसके करो कॉम्पोनेंट्स, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा cos theta n cap, और ये आ जाएगा sin theta t cap, clear? इतनी बात? हाँ सर। सबट्रैक्ट कर दो, तो e r cap को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो इसको लिखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin theta t cap और क्या प्लस cos theta n cap, और e i cap को क्या लिख सकता हूँ बोलो जरा एक बार, sin theta t cap माइनस cos theta n cap, माइनस cos theta n cap। इसको बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान के इनको सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए e r cap, और ये देखो e i cap को इधर लेके आओ तो सबट्रैक्ट हो जाएगा ये, ठीक, तो क्या कर देते हैं e r cap माइनस ई आई कैप कर देते हैं, बता दो क्या आएगा? ई आर कैप माइनस ये 2 cos थीटा n कैप पॉजिटिव आएगा, हां 2 cos थीटा n कैप आ गया। ओके इतनी बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये थर्ड, अब देखो इन दोनों का डॉट कर दो, तो ई आर कैप डॉट ई आर कैप डॉट n कैप करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, देखो कहां गया, ई आई कैप डॉट n कैप कर दो, बोलो क्या आएगा? ई आई कैप डॉट एन कैप, तो एन कैप ये लिखा हुआ है, बताओ जल्दी से क्या आएगा? वन इंटू वन इंटू कॉस थीटा, तो ई आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल ये कहाँ है? देखो ई आई कैप ये जा रहा है, ध्यान से सुनना, ये ई आई कैप थीटा, ये जा रहा है ई आई कैप पाई माइनस थीटा, और ये है थीटा, तो हमें ये पूरा एंगल देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ई आई कैप डॉट एन कैप बराबर हो गया माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा?
माइनस का ई आई कैप डॉट एन कैप, इसको डाल दो इन थ्री, तो देखो क्या आ गया, ई आर कैप बराबर, इस ई आई कैप को इस तरह लेके आ जाओ, तो बराबर में ई आई कैप और प्लस टू कॉस थीटा एन कैप, तो ये कॉस थीटा माइनस, तो माइनस टू क्या आ जाएगा, ई आई कैप डॉट एन कैप और इन टू ये देखो एन कैप है, समझ गए? हाँ सर। तो इस तरीके से ही हमने प्रूफ किया है, अब तो क्लियर? पहले पेज पे जो लिखा है वो गलत है मतलब थोड़ा। कहाँ लिखा पहले पेज पे गलत? भाई यही तो लिखा है, यही तो यही आया है। हाँ मैंने रॉन्ग पढ़ा था सॉरी। ई आर कैप बराबर ई आई कैप माइनस टू ई आई कैप, क्या अलग लिखा है? सही है सर, सही है। चलो अब देखो, सबसे पहली बात, विशेष बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोटेशन ऑफ मिरर हमें पता होना चाहिए। अब बताओ ये एक मिरर है, यहां पे ये नॉर्मल हो गया, मैंने एक रे को इंसिडेंट किया थीटा एंगल पे, ये नॉर्मल है ठीक, तो ये थीटा एंगल पे ही जाएगी, सही बात है। अब अगर मैं इस रे को, मिरर को फिक्स, दो केस होते हैं, मिरर को फिक्स किया, रे को मैंने यहां पे ओमेगा से घुमा या वन डिग्री घुमा दिया, तो यहां कितना बचेगा, थीटा माइनस वन, तो ये भी थीटा माइनस वन होनी चाहिए, तो ये भी यहां घूम जाएगी वन डिग्री, मतलब उल्टे सेंस में, समझे कि नहीं? तो अगर मिरर को फिक्स करते हो, इंसिडेंट रे को घुमाते हो, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस, ऑपोजिट सेंस में सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है। अब ये तो इसको बंद करो, अब इसको इसको घुमाना बंद करो, मिरर को घुमाओ, तो मिरर को अगर मैं वन डिग्री घुमा दूं, तो ये नॉर्मल वन डिग्री घूमेगा और ये रे नॉर्मल डिग्री, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा प्लस वन, तो फिर इसके बीच में भी नॉर्मल के साथ थीटा प्लस वन होना चाहिए, मतलब कि ये कितने डिग्री घूमेगी, दो डिग्री, समझ में आई बात? तो मिरर, मिरर अगर ओमेगा से घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में टू ओमेगा से घूमेगी, ये सबको प्रूफ किया गया है, सबको बताया गया है, खूब पता होगा। हाँ सर। चलो अब इसी का यूज करके देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जाते हैं। पहले मैं दो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, इससे रोटेशन वाला पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैंने मान लिया ये एक स्क्रीन है और यहां पे एक मिरर है, ये मिरर का मिड पॉइंट है M, इसकी डिस्टेंस है यहां से 100 मीटर, इसको मैं अभी X मान लेता हूं ठीक है। अच्छा मैं यहां पे नॉर्मल ये बना दिया मैंने बेटा, यहां पे एक 60 डिग्री पे यहां पे एक सोर्स है कोई, ये लाइट का एक कोई सोर्स है, इससे लाइट आ रही है, तो ये लाइट आई यहां इंसिडेंट हुई और यहां 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो स्क्रीन पे यहां पे एक स्पॉट बना, क्या बना, स्पॉट, तो ये थी 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर दिया है इसमें। अच्छा हो क्या रहा है एक्चुअली में, मिरर को घुमाया जा रहा है कितने से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कुछ होगी इसकी 1 रेडियन पर सेकेंड, तो कह रहा है कि स्पॉट जो है इसकी वेलोसिटी बताओ। अच्छा ये बताओ, जब ये यहां घूमेगी, मिरर ऐसे घूमेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी कि नहीं? हाँ घूमेगी, टू ओमेगा से घूमेगी ये। हाँ तो ये वाला पॉइंट नीचे आएगा फिर, तो इसकी नेट वेलोसिटी पहले बताओ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही होती है, इसकी नेट वेलोसिटी अलोंग द स्क्रीन होगी ये नीचे वी। अब कह रहा है कि वी बताओ कितना होगा एट दिस इंस्टेंट, तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये लाइन है जो देखो, इस लाइन का बारे में सोचना है, ये लाइन, अब ये मैकेनिक्स है कॉमन, तो ये लाइन है, इसका एक पॉइंट है एम और दूसरा पॉइंट है एस, ये एस है और ये एम है, इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, ये लेंथ कितनी है आर, ये निकाल सकते हैं क्या हम आर, हाँ क्योंकि ये डिस्टेंस हाँ। पता है ये एंगल 30 डिग्री पता है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी आर ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो हाँ, अब एस की वेलोसिटी देखो ये है,
तो क्या हमने कभी ये पढ़ा है कि जब दो पॉइंट्स की वेलोसिटी हमें पता हो तो ओमेगा कैसे निकालते हैं उस लाइन की? एक यहाँ बेटा ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये V हो जाएगा परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा V लाइन के पैरेलल। ओमेगा में कौन सी वेलोसिटी आती है, परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इस लाइन की जो ओमेगा है दैट इज एक्चुअली 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा इक्वल ये हो जाएगा V परपेंडिकुलर √3/2 माइनस 0, इसका तो 0 ही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन अपॉन डिस्टेंस r। तो क्या हम यहां v परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो फिर v आ जाएगा, बोलो। हां v परपेंडिकुलर मतलब v v cos θ, समझ गए समझे। तो ये एक कांसेप्ट हो गया पहला। अब दूसरे कांसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, तो ग्रुप में देखो मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूं। देखो क्वेश्चन भेजा मैंने, 356 और 357 क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें सबसे पहले हम 357 देखेंगे, 356 बाद का क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 357 एडवांस का क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना, है कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है बस। तो देखो क्या है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे एक हमें दिया है मिरर, ये मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 200 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, इसको ये पोल हो गया। और देखो उसने क्या बोला कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर, 110 सेंटीमीटर दूर, और यहां से 890 सेंटीमीटर दूर, यहां पर एक मिरर रखा हुआ है जो कि ये देखो एंगल कितना है, 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है मेरा M। अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखो फाइनल इमेज बता दो कहां बनेगी, मतलब इसकी ये ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट है ये, कह रहा है इसकी फाइनल इमेज बताओ कहां पे बनेगी। तो पहली कॉनकेव में लेनी है सर, और पहला रिफ्लेक्शन इससे होता है, पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से होता है, ठीक? तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए बताओ, ये तो यू हो गया बेटा, एफ हम निकाल लेंगे, एफ बराबर आर बाई टू, तो 100 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तो फॉर कॉनकेव मिरर, चलो इक्वेशन बोलो, तो मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, तो 1/-100 = 1/v बोलो निकालना है, और +1/u बोलो, देखो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, और डिस्टेंस तुम पोल से मेजर करोगे ऐसे, तो नेगेटिव होता है, कितना आएगा -110, तो इससे बेटा v की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी, 1/v = 1/110 -1/100, ये आएगा 1100, और ऊपर आएगा, ऊपर आएगा -11 बराबर -1/1100, सही है ना? तो v की वैल्यू आएगी -1100, मैंने सही किया है, सेंटीमीटर। चलो बेटा अब देखो, इसने देखो O की इमेज मिरर ने, ये M1 और इसको M2 बोल दो, M1 ने कहां बनाई, 1100 सेंटीमीटर, मतलब देखो कितना हुआ, यहां से भी आगे, और ये नेगेटिव है इसका मतलब यहां से इस तरफ बनी, तो इससे आगे यहां बना 100 सेंटीमीटर दूर, देखो सही कह रहे हैं हम? हाँ सर। लेकिन बीच में जब इससे देखो ऐसे ऐसे रेज आएंगी, तो सोचो क्या हुआ है, मिरर पे पड़ेंगी ना रेज, तो ये जो रिफ्लेक्शन बनी है, ये जो इमेज बनी है आई वन, ये इस मिरर के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड के, कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब ये रियल इमेज बनाएगा फिर, हाँ
क्यों बनाएगा? क्योंकि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हमेशा रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल, ऐसे तो करता है। हाँ। तो अब अगर सोचो, अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये मिरर सीधा रखा होता, देखो ऐसे रखा होता, परपेंडिकुलर और फ्रंट में बनेगा, तो फिर इमेज यार सीधे यहाँ बन जाती रियल, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ये बताओ, क्या हमने मिरर को रोटेट कर दिया? हाँ। कितने डिग्री से रोटेट किया? 45। तो फिर ये इमेज कितने डिग्री से, मतलब इमेज किससे बनती है? रिफ्लेक्टेड रेस से। अगर हम मिरर को, देखो अगर हम मिरर को ओमेगा घुमाते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से सेम सेंस में घूमती है। तो यहां पे हमने यही तो किया है, मिरर को 45 से घुमा दिया, तो इस पे जो रेज आ रही होंगी और उनका जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, वो रिफ्लेक्टेड रेज 2 ओमेगा से घूम जाएंगी। बोलो, मतलब कि ये इमेज कितने, ये 45 घुमा है तो इमेज पता है 90 डिग्री घूम जाएगी। कितना घूमेगी? 90। यहां से ये 100 सेंटीमीटर जो है, ये नीचे यहां बनेगा कि नहीं 100 सेंटीमीटर पे इमेज? तो इसकी अब यहां नहीं, यहां पे ये पोजीशन थोड़ी बदलती है, पोजीशन नहीं बदलती, तो यहां से ये 100 सेंटीमीटर दूर यहां पर इमेज बनेगी। बोलो समझ में आई बात के नहीं? हाँ सर। तो ये है हमारी फाइनल इमेज और ये 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ सर। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट था देखो रोटेशन ऑफ मिरर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखो हमें बेटा, सबसे पहले तो वो मिरर चलता है, शायद याद हो आपको, मिरर को हम लोग चलाते हैं, प्लेन मिरर को, उसका कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक। तो इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी, तो चलो देख लेते हैं। ये है मिरर, मिरर का ये पॉइंट मैंने मान लिया ओरिजिन, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा आ गया ऊपर वाई एक्सिस। बेटा मिरर का प्लेन बताओ पहले, मिरर किस प्लेन में रखा हुआ है? वाई जेड प्लेन, बिल्कुल ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना इसका प्लेन, तो वाई जेड प्लेन होगा। अब ये बताओ, हम लोग चेहरा देखते हैं अगर मिरर में, तो हम मिरर को यहां वहां करें तो क्या हमारी इमेज सामने से इधर उधर होती है क्या? नहीं, मतलब डिस्टेंस नहीं बदलनी है, ये वाली डिस्टेंस नहीं बदलनी है, सिर्फ मिरर को साइड में चलाना है, तो क्या ऐसा होता है कि इमेज चलने लगे? नहीं, नहीं होता ना, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये बन गई इमेज, और ये बड़ा सा रखा है मिरर, ऐसे मान लो ये मिरर है, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस मिरर को यहां या यहां चलाऊं तो ये इमेज यहां चलेगी, लेकिन अगर मैं पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर चलाएं तो नहीं चलेगी। मतलब कि पहला रूल क्या ध्यान रखना है कि मिरर की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट जो मिरर के प्लेन में होते हैं वो हमारे लिए यूजलेस होते हैं, समझ गए? मतलब मिरर की वेलोसिटी का हमें सिर्फ या तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए या फिर ये वाला कंपोनेंट चाहिए, इससे ही मतलब है। प्लेन में जो भी है हमें लेने देना नहीं है उससे, ओके। पहली बात तो ये, ओके। तो एक बात ये बताओ, अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के प्लेन में, मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट को चलाऊं, मतलब वाई में या जेड में, तो इमेज कितना चलेगी वाई या जेड में? सेम, सेम चलेगी। मतलब एक और कॉन्सेप्ट याद करो कि इमेज की वेलोसिटी के वो जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो मिरर के प्लेन में होते हैं, उतनी ही वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इमेज के पास भी होते हैं, समझ गए? हाँ सर। अच्छा, अब बचा कौन सा कॉम्पोनेंट? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर, ये वाला बचा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला प्रॉपर डिराइव कर लेते हैं, और इसमें देखो एक विशेष ध्यान रखने वाली चीज होती है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। देखो क्या बता रहा हूं मैं, तो मैंने माना ये ओरिजिन है, मतलब मिरर के ही रिस्पेक्ट में मैं सारी डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूं, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसका ये क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या इतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी?
तो ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. ये कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स हैं. डिस्टेंस होती तो सेम हो जाती, लेकिन कोऑर्डिनेट्स हैं तो साइन के साथ लिखना पड़ेगा. मतलब मैं ऐसे बोलूंगा x ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ x ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. सही है क्या? हाँ सर. इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. एक्चुअली में हमसे पूछा क्या जाता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, और हम अक्सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को ही अपना आंसर मान लेते हैं. ये गलती हो जाती है. ठीक, तो देखो ये हो गया फॉर्मूला. अब इसको प्रॉपर लिखो. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस, इसको लिख दो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर. दिस इज टू बी फाउंड. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर. ये हमें फॉर्मूला याद रखना है. साइन कन्वेंशन क्या है? कुछ नहीं, बड़ी सिंपल है. इस तरफ हर चीज पॉजिटिव, इस तरफ हर चीज नेगेटिव. क्लियर? वेलोसिटी जो भी इस तरफ होगी वो पॉजिटिव, इस तरफ होगी तो नेगेटिव. नेगेटिव. इतनी बात समझ गए? हाँ सर. अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं. हेलो, हाँ कौन? ओके ओके. हाँ बेटा, इतनी बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन करते हैं. चलो देखो, ये मिरर है, इसको यहां ले जा रहे हैं हम 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे, और यहां ऑब्जेक्ट है ये 20 मीटर पर सेकंड से, और इसके साथ 60 डिग्री एंगल. चलो करो जल्दी से, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज. एक काम करो सुनो बेटा, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, 10 कर लो, नहीं तो फिर मुझे पूरा करना पड़ेगा. ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री है, बस अब करो सॉल्व. और ये 5 है, ये 5 मीटर पर सेकंड. टेन रूट थ्री माइनस आई कैप टेन रूट थ्री
आई कैप में टेन रूट थ्री और जे कैप में आई कैप में माइनस टेन रूट थ्री हाँ जे कैप में जीरो जे कैप में टेन साइन थीटा इसके नहीं करने की जरूरत है इसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चाहिए मैं तो ये कितना होगा 5 cos 30 मतलब 5 root 3 by 2 है ना माइनस आई कैप सॉरी और ये 10 था तो इसका ये हो जाएगा कितना 5 root 3 आई कैप और ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड तो जो इमेज के पास y में डायरेक्शन वेलोसिटी होगी वो तो 5 मीटर पर सेकेंड होगी ना बोलो हाँ सर 5 तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट जो होगा वो होगा तुम्हारा 5j कैप ये है आंसर और वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट उसके लिए देखो ये फॉर्मूला है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर बोलो वेलोसिटी क्या था वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब माइनस 5 रूट 3 माइनस ये तो प्लस में ही रखना था ना माइनस तो अलग से लगा हुआ है ये माइनस लगाया अब इसको लिखना है इसको लिखना है तो ये क्या है माइनस का है 5 रूट 3 बाय 2 तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई तुम्हारी कितनी आएगी सर वो 2 टाइम्स है ना 2 टाइम्स है अच्छा 2 टाइम्स है हां ये तो कितना आएगा ये सर वो प्लस है उधर पैकेट के बाहर प्लस है हां सर हां प्लस है ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 10 रूट 3 बिल्कुल ठीक है चलो खत्म कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप में देखो मैंने और दो क्वेश्चंस भेजे हैं भेजे थे अभी वही वाले देखना है एन इमेज ऑफ अ कैंडल तो ये ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे जो मिरर हैं दोनों दोनों मिरर्स के यूवी ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए अब ये बताओ यूवी ग्राफ सबको आते हैं कि नहीं हाँ सर आते हैं या बताना है मुझे क्लियरली बता दो आते हैं सर बताओ सर यार इतनी छोटी छोटी चीजें तो खुद कर लिया करो देखो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात कॉनकेव मिरर की बात करते हैं ठीक है ये तुम्हें परमानेंट याद होने चाहिए ग्राफ तो याद करके रख लो समझे ना तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है ये है कॉनकेव मिरर ये पोल ये इसका फोकस और ये सेंटर और यहां माइनस इन्फिनिटी अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर एफ से लेके और यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक मूव करता है तो ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज कैसी बनती है रियल ही बनती है पता है ना माइनस इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगी फिर इसको यहाँ लेके आओगे आप इमेज यहाँ भागेगी देखो इमेज यहाँ भागती है सी पे दोनों हो जाते हैं जितना ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज बड़ी होती है ठीक इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर में m बराबर माइनस बी वाई यू या प्लस बी वाई यू माइनस 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 बी वाई यू तो ये हो गया सी पे दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं फिर ऑब्जेक्ट को जब तुम सी के यहां लेके आते हो ठीक है तो इमेज कहां चली जाती है इस तरफ अब इमेज मैग्निफाइड हो जाती है पता है ना जब इस इन बिटवीन सी एंड एफ होता है तब क्या होता है इमेज यहां बियॉन्ड सी और ये मैग्निफाइड हो जाती है अभी तक डिमिनिश्ड थी फिर F पे ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज चली जाती है माइनस इनफिनिटी पे हाईली मैग्निफाइड फिर ऑब्जेक्ट को जब तुम यहाँ लेके आते हो देखो इस तरफ तो इमेज यहाँ पहुंच जाती है ना और ये भी इमेज कैसी होती है मैग्निफाइड होती है वर्चुअल होती है लेकिन क्लियर हाँ सर दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे रेज इंसिडेंट होती है पता है कि नहीं ऑब्जेक्ट इस साइड होगा हमेशा और कॉनकेव मिरर में कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है जब भी यहाँ ऑब्जेक्ट होगा इमेज इसी बीच में बनेगी हमेशा यहाँ बनती है इमेज एक ही केस है इसमें ठीक
तो इमेज की डिस्टेंस यहाँ पे कम होती है, मतलब डिमिनिश्ड होगी इमेज। बोलो क्लियर इतनी बात? हाँ सर। अब इसका ग्राफ बनाने में बिल्कुल भी आसानी, बिल्कुल आसानी होनी चाहिए आपको। देखो क्या है, ये हो गया F, यहाँ पे V ले रहे हैं, यहाँ पे U ले रहे हैं, ये हो गया F, ये हो गया 2F, ऐसे यहाँ पे और ऐसे ही इस तरफ भी। इस तरफ तो कोई वही नहीं है, इस तरफ की तो कोई समस्या है नहीं, इस तरफ लेकिन जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो नेगेटिव U है ना, जो माइनस का U है वो F हो सकता है, C हो सकता है, तो यहाँ पे जरूरी है क्या बनाना, ये माइनस है, ये तो ओरिजिन है अपने, और यहाँ पर ये क्या है, माइनस टू एफ, माइनस टू एफ। चलो अब बताओ, ऑब्जेक्ट सबसे पहले देखो माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में है, तो यू की वैल्यू माइनस टू एफ और यहाँ ये है, तो इमेज कहाँ रहती है बताओ जल्दी से। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज एफ और सी के बीच में रहती है, बोलो। बताओ भैया, यार बोल ही नहीं रहा कोई, सही बोल रहे हम सर? एक बार वापस बोलिए, आपकी आवाज कट रही। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सी से यहाँ होता है, सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, यू सी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में है, तब इमेज कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में। हाँ सर। तो वी जो है, देखो वी जो है, अच्छा नेगेटिव होंगे दोनों, दोनों नेगेटिव है, मतलब यहाँ इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या होगा, 2f पे तो दोनों मिल जाते हैं, 2f पे दोनों मिल जाते हैं, हाँ। तो यहाँ मिलेंगे, ये वाला पॉइंट होगा जहां पे मिलेंगे, क्योंकि ये भी देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस 2f, ठीक है, तो ये मिल गए। अब यहाँ से ग्राफ कहाँ जाए हमारा, तो यहाँ से U को ऐसे ले जाओ, U जाएगा माइनस इनफिनिटी तक, नीचे से होके जाएगा ना, यहाँ से U जाएगा माइनस इनफिनिटी पे और B कहाँ आ जाएगा, माइनस F पे। अगर U माइनस इन्फिनिटी है तो V F होगा, तो यहाँ से ये यहाँ नहीं ले जाना है, क्योंकि वहां तो जीरो हो जाएगा, यहाँ ले जाना है ऐसे, समझ गए? बोलो। और यहाँ पे देखो जब ये U की वैल्यू माइनस F हो जाएगी तो V यहाँ इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ ऐसे जाएगा, तो दो एसिम्प्टोट मिलती है, एक यहाँ एसिम्प्टोट मिलेगी और एक यहाँ एसिम्प्टोट मिलेगी, क्लियर है? अब बताओ आगे क्या होगा, तो यहाँ से ये ग्राफ खत्म हुआ, यहां से शुरुआत होगी ग्राफ की, क्लियर? और यहां से शुरुआत होती है, कहां मिलता है दोनों, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कहां करते हैं, पोल पे, ये पोल। और यहां से फिर कहां जाएगा, देखो यहां खत्म हुआ, तो यहां से खत्म हुआ यहां पे, तो यहां ऐसे खत्म होगा ये इंफिनिटी पे, इतना सिंपल है। ये वाला पॉइंट क्या बता, ये वाला रीजन क्या बता रहा है, यहां से यहां तक ये बता रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बता रहा है। और इमेज की डिस्टेंस देखो सिर्फ इतनी रहती है, मतलब यही इसी रीजन में रहता है और नेगेटिव होता है, इसलिए नीचे है, समझ गए? ये 2f वाला पॉइंट होता है, और यहां से अगर तुम ओरिजिन को मिला दो तो एक इस पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करो तो ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा, इसके 2f, 2f कोऑर्डिनेट्स है, तो ये थीटा बराबर 45 पे जाती है, ये याद रखना, थीटा बराबर 45 वाली लाइन इस इन ग्राफ को जहां इंटरसेक्ट करती है वो सारे पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे कोइंसाइड हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, समझे? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या जाते हैं। चलो भाई क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना सकते हैं, तो ये बताओ पहले कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है, रियल बनाता है कि वर्चुअल बनाता है मैग्नीफाइड? वर्चुअल। रियल नहीं बनाता का मैग्नीफाइड? नहीं भाई, जब ये ऑब्जेक्ट और एफ के बीच में होता है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या बनती है, मैग्नीफाइड।
तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो बियॉन्ड सी इमेज बनती है मैग्नीफाइड, ये रियल इमेज है, और जब ऑब्जेक्ट एफ और पोल के बीच में होता है रियल ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, वो भी मैग्नीफाइड होती है। तो कॉनकेव मिरर रियल वर्चुअल दोनों मैग्नीफाइड बना सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या कर सकता है अब हमें पूछ। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट जब यहां होता था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तब ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, कहां, यहीं पे, क्लियर बोलो, रियल बनेगी ना इमेज। और इसका देखो जब भी यहां रियल ऑब्जेक्ट होता है, यहां कहीं भी रियल ऑब्जेक्ट हो, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है यहां, और कहां से कहां के बीच में, सिर्फ पोल और फोकस के बीच में, समझे। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट देखो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है लेकिन इमेज की डिस्टेंस कम होती है, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये लेस देन बन जाता है। तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल बनाता है लेकिन हमेशा डिमिनिश्ड, बोलो। हाँ सही है। अब आ जाओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे। अच्छा पोल पे दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे आ जाओ। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अब देखो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, वो ग्राफ बनाता हूँ। ये क्या है यू, ये हो गया, इसमें यहां पे इसका फोकस होगा और यहां सेंटर होगा, किस तरफ होगा, यहां होगा ना। तो इस तरफ मैं बना रहा हूं ये प्लस एफ, यहां बना रहा हूं मैं सी मतलब टू एफ। तो ये कुछ ऐसे डिस्टेंस ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। बी को भी कर लेते हैं यहां पे प्लस एफ, ये V हो गया प्लस का 2F। ठीक है, ऐसे इसमें माइनस में भी बना लू, B में देखो ये हो जाएगा इसका V माइनस 2F इस तरफ मतलब, लेकिन इस तरफ कोई डिफाइंड नहीं होता है कुछ भी, तो छोड़ो इसको नहीं बनाते हैं, ठीक। चलो अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यही वाला बता दो, इस यू नेगेटिव है तो यू तो जाएगा कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, बोलो भाई। जब जीरो हो जाएगा तब वी भी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो कॉमन होगा इसमें, यहाँ पे उड़के जाएगा, लेकिन यहाँ पे वी कैसा रहता है, पॉजिटिव, और यू नेगेटिव रहता है, मतलब की कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, मतलब यहाँ पे ये होगा V, U इन्फिनिटी, यहाँ पे U इन्फिनिटी है और V कितना है, F है, सही है। और फिर ये ऐसे गया ग्राफ, यहाँ चला गया, ठीक। अब ये ग्राफ आगे कहाँ जाएगा, तो आगे बिल्कुल सरल है, यहीं से ऐसे चला जाता है ये। इसका मतलब क्या है, इसका देखो मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव में आ गया, मतलब यहां आ गया, लेकिन एफ तक ही है अभी, यू की वैल्यू एफ से आगे नहीं जा रही। तो जब यू एफ पे आ जाता है तो देखो वी यहां चला गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वी की वैल्यू इन्फिनिटी तक राइज होती है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पोल से कहां जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है पोल से कहां, फोकस की तरफ, देखो ये जा रहा है, और इमेज जा रही है पोल से माइनस, ऑब्जेक्ट यहां जाता है और इमेज जाती है, मतलब यहां पे रियल इमेज बनती है, इमेज यहां है तो रियल ही होगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है मतलब ऐसे रेज आ रही होंगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां मिल जाती होंगी, तो यहां पे ये इमेज बन जाती है और ये इमेज इस तरह भाग रही होती है, जबकि ऑब्जेक्ट देखो यहां से अभी यहां है ऑब्जेक्ट, सॉरी ये इसके एफ के पहले ही होगी, समझे ना, ध्यान रखना ये। तो इमेज जाती है इस तरफ और ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट जाता है इस तरफ और इमेज भागती है इस तरफ, कहां पहुंच जाती, जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ पे आता है तो इमेज माइनस पहुंच जाती है। इसके बाद फिर से वही ऑब्जेक्ट भागेगा एफ से किस तरफ, कर्वेचर की, सी की तरफ, और सी पे कोइंसाइड करता है, इसका मतलब है सीधी बात है दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं, क्यों,
यू और वी दोनों पॉजिटिव, मतलब यहां से ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। और देखो ये जो वही वाला पॉइंट मैंने बोला था, ये 2f, 2f, तो यहां से ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होके देखो यहां जाएगा, और फिर यहां से पता है कहां जाएगा, देखो यहां खत्म हुआ था तो ये ग्राफ यहां से लगा। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हाँ सर। तो बस ये खत्म हो गया, इतनी सिंपल सिंपल सी बातें थी ये सब, और बहुत ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखनी होती हैं हमें, बस इतना ध्यान रखना होता है कि कॉनकेव मेरा रियल इमेज बना सकता है, समझे, रियल इमेज बना सकता है और वो साइड भी हो सकती है, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, वर्चुअल हो, ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल हो, और फोकस और पोल के ही बीच में हो। और दूसरी बात, यहाँ पे जब रियल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी रियल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर इमेज कहाँ बना सकता है, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा, कहाँ, सिर्फ इतने रीजन में, फोकस और पोल के बीच में। सोचो यहाँ पे पूरे जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज इतनी छोटी जगह में बना देगा ये, वर्चुअल बनेगी तो क्या, हम लोग वर्चुअल इमेज भी देख सकते हैं, हम लोगों की गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, क्यों, क्योंकि गाड़ी के पीछे इतना बड़ा रीजन है, इतने सारे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब की वर्चुअल इमेज इतनी छोटी जगह में बन जाए, फील्ड ऑफ व्यू छोटा हो जाए, समझ में आई बात के नहीं? तो इसलिए हम लोग गाड़ी में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। ओके, अब हम जब कोई सेविंग करता है, सेविंग क्या होता है, दाढ़ी बनाता है, तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव, कॉनकेव। ये क्यों होता है, ठीक है, तो इसके लिए देखो मैंने दो क्वेश्चन भेजे हैं आपको, पहले कैंडल वाला क्वेश्चन है, उसको देखो सब लोग, सॉल्व करो, ट्राई करो। इमेज ऑफ अ कैंडल, ये हाँ हाँ ट्राई करो, मैं उसके बाद बताऊंगा, एक बार ट्राई कर लो सब लोग। नेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, नेगेटिव साइन ऐसा बोलना है क्या? हाँ भाई बोलो क्या कह रहे हो। मैं बता दूं, एक मिनट सर, सबसे पहले तो ये बताओ मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव। कैंडल रियल ऑब्जेक्ट है और इसकी स्क्रीन पे इमेज बनानी है तो रियल इमेज चाहिए, इट कैन बी इट कैन पॉसिबल, मतलब इट इज पॉसिबल ओनली इफ मिरर इज कॉनकेव, एक चीज कंफर्म। यस सर। एफ निकालेंगे इसका, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो ये एफ, अब बेटा ये बताओ, इसकी पहले तो डबल इमेज बन रही थी, मतलब मैग्नीफाइड है और रियल है, तो इमेज यहां बनेगी, सही है,
ये इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट होगा यहाँ कहीं, सही है? अब ये बताओ ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कहाँ किया, इस तरफ शिफ्ट करें या लेफ्ट में शिफ्ट करें या राइट में शिफ्ट करें, बोलो। राइट में, राइट में, क्योंकि राइट में करोगे तभी ये इमेज यहाँ भागेगी और ज्यादा क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो आई टू जो है वो थ्री टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है और आई वन जो है वो टू टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पहली वाली डिस्टेंस मान लो एक्स, ठीक है, तो पहले तो एम का साइन बताओ, तो एम बराबर माइनस बी वाई यू, तो एम की वैल्यू तो टू है लेकिन प्लस है के माइनस है, बताओ जल्दी से। माइनस, माइनस, क्योंकि देखो दोनों ही कैसे हैं, वी और यू दोनों नेगेटिव हैं, तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव होगा और ये माइनस लगा है तो मतलब माइनस टू होगा ये, तो माइनस टू इक्वल माइनस बी बाई यू, क्लियर बेटा? तो वी बराबर टू यू, अब तुमने यू को मान लिया पहले एक्स, तो देन वी विल बी टू एक्स, लगाओ पहला वाला, तो वन अपॉन एफ इक्वल वन अपॉन वी टू एक्स, वो भी माइनस, और प्लस वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, तो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू की जगह माइनस एक्स, और एफ F की जगह, अब इसको विदाउट साइन रख सकते हो आप, या आपकी मर्जी है तो आप इसको भी साइन के साथ रख दो, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी इसकी, समझे कि नहीं, बोलो। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन बना लोगे ऐसे ही, M की जगह माइनस थ्री आ जाएगा तो V बराबर थ्री एक्स हो जाएगा, सेम इक्वेशन यू विल हैव टू अप्लाई अगेन एंड सॉल्व दीज टू, ठीक है? लेकिन X की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह बताओ कितना आएगा, x में से कितना कम हो गया, 5 सेंटीमीटर कम हो गया, तो पहले तो ये x माइनस फाइव बचेगा और उसका आगे साइन के साथ लिखना है, मतलब ऐसे देखो नेगेटिव माइनस वन अपॉन एफ इक्वल वन अपॉन माइनस, बोलो, थ्री टाइम x माइनस फाइव, थ्री टाइम्स x माइनस फाइव, वेरी गुड, और ये प्लस वन अपॉन माइनस ऑफ x माइनस फाइव, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, क्लियर है ये? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो 40 बाई 3 है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए तुमने, नहीं नहीं, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 60 है, 60 नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आर की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, अब पर्सन लुक्स वो वाला क्वेश्चन। हाँ सर 80 आ गया। सर हाँ बेटा बताओ। सर आपने जो एडवांस प्रॉब्लम करके पीडीएफ भेजी है ना, हाँ सर, वो लोड नहीं हो रही है, हमने इसीलिए तो उसके इमेजेस भेज दिए। अच्छा ओके थैंक यू सर। चलो देखो, अच्छा बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था वो, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। हो गया सर। पर्सन लुक्स इनटू स्फेरिकल मिरर, द साइज ऑफ इमेज
of his face is twice the actual size of his face. If the face is at a distance of 20 centimeter, then find the radius of curvature of the mirror. सबसे पहले ये बताओ, एक पर्सन है, उसकी आंखों में देखो, मतलब जहां पर्सन का चेहरा है वहीं पे आंखें हैं, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका फेस जो है उसकी इमेज कहां बननी चाहिए? मिरर के पीछे। उसको उसको या तो उसकी इमेज देखो, मैं फील आपको पिटने दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। Twice the actual size of his face. अच्छा बेटा देखो, इसका मतलब तो कंफर्म हो गया, कौन सा वो है? कॉनवेक्स कॉनकेव मिरर है यार, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। देखो ना, रियल ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, किसमें पॉसिबल है? सिर्फ कॉनकेव में। कॉनकेव ये पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। अब दिमाग लगाओ, देखो क्वेश्चन बहुत खतरनाक टाइप का है, बिल्कुल फील वाला। ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन बताओ कहाँ होगा, ताकि उसकी उसके फेस का जो साइज है वो डबल दिखाई दे उसको, मतलब इमेज डबल बने। तो दो पॉसिबल है, या तो वो यहां होगा, या तो ऑब्जेक्ट यहां होगा, या फिर ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है। हाँ। यहां होगा अगर फेस यहां है तो वो पर्सन जो है वो वर्चुअल इमेज देख रहा होगा, यहां इमेज बन रही होगी, और अगर यहां होगा उसका फेस तो फिर इमेज यहां बन रही होगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर। लेकिन सोचो, पर्सन यहां है और इमेज यहां बन रही है, क्या ये पर्सन देख पाएगा ये वाली इमेज? नहीं, नहीं देख पाएगा, क्योंकि इमेज वाली रेज तो यहां मिलेंगी, पर्सन तो पहले ही आंखें पड़ जाएंगी, तो फिर उसको इमेज दिखाई नहीं देगी, मतलब पर्सन कैन नॉट सी हिज रियल इमेज, समझे? हाँ सर। तो फिर वो वर्चुअल इमेज देख रहा है, इसका मतलब है कि पर्सन जो है अपने चेहरे को कहां रखे हुए है? फोकस और पोल के बीच में। बेटा बात क्लियर हो गई इतनी? हाँ सर। चलो, तो अब देखो, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज आराम से यहां बन सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डबल साइज की बन सकती है, ठीक? तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 2 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें दिया है। अब हम लगाएंगे, अच्छा देखो फिर क्या कह रहा है वो, और कुछ कह रहा है? मैग्निफिकेशन दिए ना सर, और यू भी मालूम है। है यू पता है ना अपन को, 20 सेंटीमीटर दिया है यू। यू बराबर हो गया -20 centimeter रियल ऑब्जेक्ट, और एम बराबर पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2 बताओ? पॉजिटिव 2 होगा ना। हाँ, क्योंकि m बराबर होता है -b/u। अब देखो v तो इस तरफ है और u हाँ। इस तरफ है, u नेगेटिव, v पॉजिटिव, मतलब ये वाला टर्म ही नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 बराबर -v/u की वैल्यू कितनी? -20। तो v बराबर क्या हो गया? 40 आ गया, तो v बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया। अब तो क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल 1/v कितना? 40 प्लस 1/u कितना? -20। तो 1/f इक्वल 40 -1/2 f बराबर -40 सेंटीमीटर, तो r बराबर -80। क्लियर होगा आई थिंक सो, ठीक? हाँ सर। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हमें करने होते हैं। चलो अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजे हैं जरा उन पे गौर करो आप। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो कौन सा मिला है, 371 करो, 371। अच्छा पैराबोलिक मिरर सबने पढ़ा होगा, है ना? अरे बोलो तो यार, बोलो। नहीं सर। चलो देखो, बता दे रहे हैं पैराबोलिक मिरर। पहले तो मैं एक जनरल ऐसी बता दूं, मान लेते हैं कि ये एक पैराबोलिक मिरर रख दिया हमने, इसकी विशेष पैराबोला तो पढ़ा है ना मैथ में, बस वही हाँ है सर। बस वही है और कुछ है ही नहीं फिजिक्स में। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता होगा ना? नहीं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह डिफरेंट होता है, समझे ना? हाँ, मतलब हाँ। ये
एक्चुअली में पैराबोला का फोकस एक ही होता है, मतलब ये कि कहीं भी आप पैरेलल रे डाल दो, चाहे यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल दो, फोकस से पास होगा, इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो सारी रेज फोकस पे ही मिलेंगी। क्लियर? बोलो। जबकि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनके हर रीजन का फोकस अलग अलग होता है, समझे? लेकिन हम लोग असम्पशन कर लेते हैं कि फोकस एक ही जगह है। चलो तो ये हो गया पोल। अब इसकी इक्वेशन देखो, मैं बोल देता हूं, यह दिया तो है, देखो ना ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल एट वाई स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन पढ़ लो, एक्स इक्वल एट वाई और ऑब्जेक्ट रखा है। हाँ छोड़ो, यही मैं पूछ लेता हूँ, x इक्वल एट वाई स्क्वायर है, आप बताओ अगर मैं पैरेलल रेज डाल दूं तो वो कहाँ मिलेंगी, बताओ कितनी डिस्टेंस पे मिलेंगी, कौन बता सकता है? पोल से कितनी दूर मिलेंगी? क्या? पोल से कितनी दूर मिलेंगी? 2.0 1/32, 2.0 1/32 पे मिलेंगी ना, ये सही है। हाँ। 1/32 हाँ। देखो ये y है, ये x है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल क्या इक्वेशन, x square equal to 4ay, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, समझे? इसमें a जो है वो फोकस होता है, ठीक? बोलो। हाँ, ऐसे ही इसका, जैसे तुम्हें यहाँ पे x square equal 4ay है, इसमें क्या होगा, y square equal 4ax, तो y square equal 4ax, compare करो, तो 4a की वैल्यू क्या है, 1/8, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1/32, ये फोकस है, तो 1/32 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, यहाँ पे ये सारी रेज मिलेंगी। बोलो, बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन देखो, पैराबोलिक मिरर का एक और क्वेश्चन दिया है, पहले वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 253। ऐसा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये बाय एक्सिस बनाया है, और ये गया पैराबोला, ये है पैराबोला, ये ओरिजिन है, पढ़ लो सब लोग, क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ पैराबोलिक मिरर हुज इनर सरफेस इज सिल्वर्ड, इसको कर दिया उसने सिल्वर्ड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है? अब उसने एक लाइन, उसने एक रे भेजी, देखो कैसे रे भेजी, उसने एक रे भेजी ऐसे ऐसे, जो इसके साथ, देखो इस लाइन की इक्वेशन दी है, लाइन अलोंग विच रेज ट्रैवलिंग, वाई इक्वल कितना है देखो जरा, एक्स प्लस थ्री, इसका स्लोप क्या है, इसका मतलब लाइन का स्लोप जो है वो वन है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है, क्लियर? ये और पैराबोला की इक्वेशन क्या दी है देखना जरा, y इक्वल एक्स स्क्वायर बाय 4, जरा बता सकते हो मुझे y इक्वल एक्स प्लस 3 और y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये वाला क्या होगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो जल्दी से, अब यार ये तो मैथ आ गई और वो भी थोड़ी सी, -2.1 हाँ देख लो, चेक कर लो, सही है? हाँ सही है, सही है। चलो -2.1 आ गया, मतलब ये है 1 और ये है तुम्हारा -2, क्लियर? अब बेटा यहाँ पे आप एक काम करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, देखो ये एंगल जो है ये वाला, ये स्लोप बताता है ना, नेगेटिव स्लोप होगा, लेकिन मैं ये वाला एंगल भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, आप थोड़ा सा ध्यान देना,
बता सकता है कोई ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ ये तो बहुत सरल, एक्स इक्वल माइनस टू पे, एक्स इक्वल माइनस टू पे इसका स्लोप निकाल दो वाई स्क्वायर, वाई बराबर फोर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? 45 होगा सर, 45 होगा, एक्स वाई टू आएगा और एक्स के पे माइनस वन माइनस टू डालोगे तो एट एक्स इक्वल माइनस टू, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन, मतलब ये हो गया वन कितना, वन थर्टी फाइव, तो ये वाला कितना आएगा? 45, सही है, 45. ओके, ये 45, ये 45, मतलब ये वाला 90. इसका मतलब ये लाइन, ये जो लाइन आ रही है वो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर आ रही है, सही बात है. ओके, अब पूछा क्या था हमसे, देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है? एक वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर रिफ्लेक्टेड रे को बताती हो. देखो इंसिडेंट रे की लाइन बता दी उसने और रिफ्लेक्टेड रे की पूछ रहे, रिफ्लेक्टेड रे तो रिट्रेस कर जाएगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रहा है ना, तो सीधी वापस आ जाएगी ऐसे ही. तो मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है जो कि 45 डिग्री के एंगल पे हो. कितना सिंपल है यार, तो एन कैप बराबर इसकी डायरेक्शन में, बताओ जल्दी से, तीनों दोनों माइनस होंगे, आई कैप भी और जे कैप भी, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो अपॉन रूट टू. बोलो भाई समझ में आ गई बात? हाँ सर. चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी के बाद. हाँ 352 करो, 352 सर, वो एक बार पिछला दिखाऊं. क्वेश्चन नंबर 352 करना है. टू रेज आर इंसिडेंट ऑन नाइट आर बराबर पैरेलल ऑफ हाइट h1, ठीक है. ऐसा कोई मिरर है, ठीक है. इसका ये है सेंटर, ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर, ये इसका पोल हो गया. अब थोड़ा ध्यान देना वो क्या बोल रहा है, उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि फोकस हर जगह सेम नहीं है, समझे कि नहीं, बोलो. तो एक 0.5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर, तो एक आ रही है 3 सेंटीमीटर पे, तो चलो पहले 3 वाला बनाते हैं. तो ये आई देखो, फिर कहाँ बोल रहा है फोकस सेम नहीं है, समझना है, कॉमन सेंस है, ये 3 सेंटीमीटर है तो फोकस एक ही होगा है ना, रेडियस दे दिया है तो. नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, इसका रेडियस आपको पता है, स्फेरिकल मिरर का फोकस सेम नहीं होता हर जगह, इस जगह का फोकस अलग होता है, इस जगह का फोकस अलग होता है, यहाँ का फोकस अलग होता है. हम लोग बोल देते हैं, क्या माने के बोल देते हैं कि ये जो रेज आ रही है ना, ये वाली रेज, ये बिल्कुल पोल के पास पास आ रही है. कौन सी रेज? पैरेक्सियल रेज, मार्जिनल रेज नहीं, मार्जिन मतलब जो ये डिस्टेंस बना के चलती है वो रेज नहीं. तो लेकिन उसने देखो बोला है 3 सेंटीमीटर और देखो रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, हाउ इट इज पॉसिबल इसका फोकस हर जगह सेम होगा? नहीं है ना, तो अलग अलग है. तो 3 सेंटीमीटर पे आया ये रे. अब क्या भैया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल तो सेंटर से ही जाएगा ना, तो ये 3 सेंटीमीटर कितना है, 3 है ना, हाँ 3 है, और ये 5 है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल पता चल गया कितना आ गया, ये 37. देखो ना, हाँ सर, 37 पे ही ये फिर रिफ्लेक्ट होगी. तो अगर ये 37 पे ही रिफ्लेक्ट होगी तो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन ही खत्म हो गया. ये 37, ये 37, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सबसे पहले तो ये वाला 37 होगा, क्योंकि ये देखो ये रे, ये वाली रे और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 37 अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. और ये 37, तो ये वाला हो जाएगा 37 प्लस 37, है ना. अरे छोड़ो ना,
ये बताओ यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, बोलो ये कितना होगा। ये M मान लेते हैं, A बोल देता हूं मैं, इसको B बोल देता हूं। अब ये बचा तुम्हारा 90 माइनस 37 क्या होता है, 90 माइनस 16 डिग्री कितना आएगा ये 16 आएगा सर 69। तो फिर ये कितना आएगा 74। अच्छा तुम अब एक बात बताओ, ये है P, तो क्या मैं ये 37 है अगर, हाँ हो गया, अब जरूरत ही नहीं है। देखो बेटा ये 37 है और ये देखो 5 है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ 5 का cos 37, बोलो। नहीं 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 सॉरी गलत, बहुत गलत हो गया, ये वाला, ये तो 90 नहीं है ना, यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर डाला तब ये इसका कंपोनेंट ये आएगा पूरा इतना। हाँ सर। तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा बताओ जरा, 5 cos 37 ठीक। अच्छा ऐसे ही क्या मैं दूसरे वाले उसके लिए कर सकता हूँ, हाइट जो है इसकी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर के लिए निकाल सकता हूँ क्या, सी से आगे तक की डिस्टेंस? वो तो पैराएक्सियल है ना? नहीं है, वो भी सेंटीमीटर में ना, सबको वही, लेकिन 0.5 है, सबको वही मानना है। तो अब बताओ ज्योमेट्री से कर सकते हो कि नहीं उस क्वेश्चन को? हाँ सर। चलो करो फिर, बताओ आंसर बताओ इसका क्या है। ये एंगल हो गया 74। ओके आवाज खत्म हो गया क्वेश्चन, अपन ने ये निकाल लिया अभी। अब देखो इस ट्राइंगल में फिर से कर दो, इस ट्राइंगल में करोगे तो ये वाला देखो 3 है तो ये हमें निकालना है। एक्चुअली में हमें क्या निकालना था, सी ए, तो अभी सी एम तो आ गया, सी एम आ गया 5 cos 37। अब बताओ सी, वो ए एम कितना आएगा, ए एम बता सकता है कोई? ये 74 है और ये देखो ये पता है हमें 3 सेंटीमीटर, ये बता सकते हो? यार बहुत सरल है यार, क्या लगाओगे? ये 90 डिग्री है। x sin 74 इक्वल टू 3, तो हम लोग को x cos 74 चाहिए। इसमें साइन नहीं cos लगेगा, ये एंगल है x sin 74 को 3 से। आपको tan 2 थीटा लिख सकते हैं ना, को लिख दो cot 2 × 37 और 2 tan a माइनस 2 tan क्या होता है, इसको 10 2a करके कर लेना, 2 tan a अपन 1 माइनस, वही वही उससे कर सकते, ठीक है? वो छोड़ो, इतना करने की जरूरत नहीं, मतलब कि क्वेश्चन बता रहा था कि इस तरीके से पूछ सकता है वो कभी कभी, तो 1074 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब am भी आ जाएगा हमें, तो हमें 25/24 आता है सर। आ गया, तो क्या मैं ca निकाल सकता हूँ? ca, हाँ सर। ca बेटा सुनो, a पे ये वाली जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके इंटरसेक्ट कर रही है, सही है? ऐसे ही जो 0.5 सेंटीमीटर पे आ रही है वो भी रिफ्लेक्ट होके कहीं इंटरसेक्ट करेगी बी पे, तो क्या ऐसे सी बी निकाल लूंगा? और फिर क्या करोगे बोलो, सी बी माइनस सी ए, तो दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस आ जाएगी बीच की, बोलो इतना क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ो,
तो आपने सी बी माइनस सी ए किया, लेकिन हम जब जनरली मतलब डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं ना? नहीं, मुझसे क्या पूछा गया था, मैंने जो डिस्टेंस मेजर किया वो सी से किए हैं ना, वो कोई हाँ फिर से ये फिर डिफरेंस ही में वन अपॉन बी थोड़ी पूछ रहा। हाँ सर समझा। चलो भाई 349 क्वेश्चन करके बता दो भाई इसको, तो प्लीज सभी लोग सॉल्व कर ही दो। 349 सर थोड़ा क्वेश्चन समझा दो ना। लिखा तो है, समझो तो यार क्वेश्चन। वो मिरर टेढ़ा मेढ़ा कुछ समझ में नहीं आया। थ्री फोर कौन सा था? 349 ये मिरर है, ये है मिरर, 1 मीटर इसकी विड्थ और यहां से भी 1 मीटर दूर यहां पे एक लाइन है, ऐसा ही कुछ एक जगह है, ठीक है, और इस जगह पे कोई आदमी है वो मूव कर रहा है, ठीक है, ये कितना है 1 मीटर जगह है, ये है ए, और यहाँ पे मिरर के मिड पॉइंट से इस लाइन पे यहाँ पे बी है, बी चला आ रहा है ऐसे। अब वो कह रहा है कि बी की डिस्टेंस बताओ, यहां से बी की डिस्टेंस बता दो, जब क्या हो, जब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगेंगे मिरर में, बी को ये दिखाई देगा ए और ए को बी दिखाई देगा, समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल करेक्ट, हाफ मीटर आंसर है, 0.5। हाँ ये एक्स पूछ रहा था, वो ये बता दो। देखो क्या करना है, सीधा सा बात है कि ये जो कॉर्नर है यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये नॉर्मल है, जितने भी एंगल पे ये रह गई है उतने ही पे जाएगी और यहाँ मिल जाए, बस बात खत्म। क्यों भाई? तो इससे रे जाएगी यहाँ टकरा के यहाँ पहुंच जाएगी, देखो इससे जो रे आएगी वो यहाँ टकरा के इसकी आंखों में चली जाएगी, दोनों दूसरे को देख सकते हैं, समझ गए? हाँ। तो अब देखो ये आई है और ये भी आई है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है। हाँ। ये 90 है, ये 90 है, तो फिर इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, सिमिलर। हाँ। तो खत्म बात। तो ये कितना है, हाफ है, तो हाफ जो कि डबल एंगल के सामने ये वाला है, तो हाफ अपॉन, देखो हाफ अपॉन ये एंगल 45 होगा बराबर, हाफ अपॉन एक्स बराबर बोलो सर, वो एंगल 45 आता है, 1/1 एक्स इक्वल हाफ मीटर। चलो समझ गए, बोलो 45। हाँ 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 45 है, सही है, ये 45 है, सब 40 45। हाँ सर हाफ आ गया क्लियर। अब इसके बाद देखो, हाँ सर आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 349 के बाद 352 हो गया, 353 हो गया, 355 एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो प्लेन मिरर में हमने अभी क्या सीखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज वगैरह सब सीखा था, अब हमें कॉन्वेक्स मिरर या मतलब कर्व्ड मिरर में सीखना है। चलो मान लेते हैं कि ये कोई कर्व्ड मिरर है, ये हो गया ओरिजिन, पोल को ओरिजिन माना जाता है, ठीक, ये मिरर है अपना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है पहले ये बताओ, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो सकता है या फिर कोई हो सकता है, ठीक,
ओके, तो मैंने माना कि ये कुछ हाइट पे है, बेटा आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा हाइट पे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये हाइट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं इसको हाइट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता क्या? मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये ध्यान रखो, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तब भी हमें ये पॉइंट देखना है, अगर हाइट ऑब्जेक्ट है तब भी हमें उसकी टिप ही देखनी है। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट, इसकी इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी या नहीं? और देखो ये मान लेते हैं ए और ये बी, तो ए की इमेज तो ये अगर यू है, ये फोकल लेंथ इसकी एफ है, तो 1/f बराबर 1/v + 1/u लगा के तुम v निकाल लोगे, वही इमेज बन जाएगी इस पॉइंट की ए की। लेकिन b की इमेज कहां बनेगी? वो मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा, सही है? तो मान रहा हूं, मैं इसको मान रहा हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है? ठीक है बेटा, और ये क्या है? ये x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मिरर, बिल्कुल करेक्ट। तो ये u को ध्यान रखना, आप लोग हमेशा क्या मानेंगे हम? x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये लिखा कुछ भी हो लेकिन तुम्हें फील करना है u लिखा है, नहीं तो तुम वेलोसिटी समझ लो, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं इस पॉइंट b की वेलोसिटी बताओ, बताओ इस पॉइंट b की वेलोसिटी, तो b ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो b जो है, समझना ध्यान, जो इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, सुनना, अगर मुझसे कोई कहे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां या यहां कहीं होगी, ऐसे ऐसे। लेकिन मैं क्या पूछा, देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो था ना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये बी जो है ना ये अकेला ऑब्जेक्ट है हमारा। अब यार ये तो कहीं भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, देखो ऐसे भी जा सकता है ये, तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। अब बताओ ये वाला कॉम्पोनेंट जो है वेलोसिटी का, उसको आप क्या लिखोगे? वाई ओ का बिल्कुल करेक्ट, डी वाई बाई डी टी ऑफ वाई ओ, बोलो बोलो। अच्छा इस वाले कंपोनेंट को क्या लिखोगे? dx/dt है ना, चलो ठीक है। अच्छा इसकी इमेज मैंने बनाई, एक कंडीशन ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि बेटा इमेज ये बनी, किसकी इमेज है ये? बी पॉइंट की इमेज यहां बनी, बी डैश। अच्छा बताओ ए की इमेज कहां बनेगी? ऑब्वियसली उसके ऊपर, बाद में पता चलेगी, आपको पहले ए की ही इमेज निकालनी पड़ेगी और वो होगा ये, है ना, और उससे फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे आप, वाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी बाई यू, तब तुम्हें वाई आई मिलेगा जो कि ये होगा। बोलो सही है क्या? अब बेटा ये बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं तुमसे कहूँ ये इमेज की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो इमेज की वेलोसिटी में भी दो कॉम्पोनेंट हो सकते हैं ना यार, एक तो इस वी का रेट ऑफ चेंज, वो होगा इमेज की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और एक होगा इस ये वाई ऑफ इमेज है इसका रेट ऑफ चेंज, वो होगा इस पॉइंट की वाई वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये तो एक्स एक्स डायरेक्शन है ये, और ये क्या है वाई डायरेक्शन। बोलो पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ओके तो मुझे यही सब चीजें निकालनी है, तो देखना पहले मैं x की बात कर लेता हूं, ठीक है बेटा x की बात कर लेते हैं, तो अलोंग x एक्सिस, अच्छा सब कुछ मूव कर सकता है, ये मिरर भी कहीं भी मूव कर सकता है, मिरर में भी वेलोसिटी हो सकती है, ऐसे होगा, उसका भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अलोंग x एक्सिस में 1/f बराबर क्या होता है? x एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, इसमें तो यार सिर्फ यही फॉर्मूला लगता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? समझ गए? अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा जीरो, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस। तो मुझे उससे देखो डीवी बाई डी टी मिल गया, मुझे मिल गया डीवी बाई डी टी। अब तुम्हें बस यही तो पहचानना है कि ये है क्या, v का रेट ऑफ चेंज मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये सब ओ वी और यू सब मिरर से ही तो लेते हो आप, तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बराबर हो गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू देख लो डी यू बाई डी टी, मतलब व्हाट इज डी यू बाई डी टी, वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये तुम खुद लिखो विथ रिस्पेक्ट, समझ में आ गई बात। तो हमने पता है कहीं भी हो ऑब्जेक्ट, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, मैंने एक्स कंपोनेंट का तो डिस्कशन पूरा कर लिया, वाई रह गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल, फॉर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फॉर्मूला वैसे याद मुश्किल है, याद होता नहीं है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आप इसका प्रोसेस सीखो। तो सबसे पहले बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सर एक बार पिछला वाला स्लाइड दिखाओगे क्या? हाँ ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर f अपॉन f माइनस u, और क्या होता है? अब वही यही तो मैं दिमाग लगाना है, क्या तुम v by u लिख दो या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दें? बोलो हाइट ऑफ इमेज अपॉन, बिल्कुल, क्योंकि मुझे y डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए और y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो होती है वाई आई का डी बाई डी टी, तो यहाँ वाई ओ का भी डी बाई डी टी आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात? तो मुझे वाई आई निकालना है, तो वाई आई इक्वल हो गया एफ इंटू क्या आएगा वाई ओ अपॉन एफ माइनस यू, क्लियर है? बताओ क्या करें अब? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा डी वाई आई अपॉन डी टी, मतलब y कॉम्पोनेंट, पहले लेफ्ट में ले लो उसको डिनोमिनेटर को, फिर इजी जाएगा। y कॉम्पोनेंट ऑफ क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो डिनोमिनेटर है ना उसको लेफ्ट में ले लो, फिर डिफरेंशिएशन इजी जाएगा। अरे ठीक यार, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बेटा मिरर, चलो बराबर, देखो f के तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे f माइनस u का होल स्क्वायर। अब यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये f माइनस u मैंने छोड़ दिया, yo का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा, अब याद रखो इसको, ये क्या है, ये है क्या, dy u upon dt क्या है? y कंपोनेंट, y कंपोनेंट, और यहाँ माइनस वाई ओ छोड़ दिया, इसका क्या आ जाएगा, एफ का तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी ओ तो प्लस कर दो यहाँ पे, माइनस डी यू बाई डी टी। बताओ डी यू बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। अब एक बात देखो, नहीं ये भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये ध्यान रखना। हाँ सर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस वाई ओ आया इसमें वाई ओ, तो हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट में वाईओ ना हो, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ही और यहाँ रखा हो, बोलो हाँ, और ऐसे चल रहा हो सकता है ना, तो क्या करना है, इस टर्म में वाईओ को जीरो कर देना है, और अगर वाईओ हो मतलब ये हो हाइट पे रखा है, तो फिर वाईओ की जगह पे उसको डाल देना है, और साइन का विशेष ध्यान देना है। बोलो कर लोगे इस क्वेश्चन को? हाँ सर। चलो करके दिखाओ, यही क्वेश्चन जो मैंने भेजा है ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर 355। देखो इसमें क्या करना है, वाईओ नहीं है, दिख रहा है वाईओ नहीं है इसमें,
सर वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट माइनस पाई है और वाई कंपोनेंट पाई रूट थ्री. एक्स कंपोनेंट में तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया, वाई कंपोनेंट सही है. एक्स कंपोनेंट चेक करो, माइनस टेन आई कैप आएगा. हाँ सर आ गया माइनस टेन. ठीक चलो, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे. ओके हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर हैं. अच्छा एक मिनट में भेज रहे सर आपको अब भी. हाँ हाँ भैया सब लोग कर लिया, देखो एक बार चेक करो सब लोग. बताओ ना क्या कह रहे. नहीं हुआ यार ये क्वेश्चन हो गया यार. एक्स कंपोनेंट सीधा सीधा है यार, वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट सीधा फॉर्मूला लगाना है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट. इतना सिंपल है भैया. और दूसरे में इस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, ये तो जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म. सिर्फ यहाँ वैल्यूज लिखनी है तुम्हें, डी वाई यू अपॉन डी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वाई कॉम्पोनेंट जो लिखा है उसमें कॉम्पोनेंट करने है बस. ठीक है सर ड्राइवर कर हो जाएगा ना. हाँ सर चलो ठीक है. अच्छा अब देखो आगे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं हुआ अभी. थ्री सेवेंटी वन और देखो यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो पहले दिया है, डायग्राम पहले दिया है क्वेश्चन बाद में दिया है. 371 ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ये डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर. ठीक है पॉइंट ऑफ 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर. एक्स इक्वल इसकी इक्वेशन देखो क्या दिया है, एक्स इक्वल 8y स्क्वायर. अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले नहीं करवा तो दिया ही है हमने, अब ये खुद करना बहुत सरल है, बहुत सिंपल है. मैंने जो प्रोसेस बताया है वो तुम्हें फॉलो करना है. ठीक है अब देखो एक क्वेश्चन और है 367 इसको देखो, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन लगेगा तुम्हें. मैं चाहूंगा कि एक बार तुम लोग जरूर इसको ट्राई करो, या बोलो तो मैं अभी सॉल्व कर दूं. बोलो क्या चाहते हो. नहीं अभी नहीं, अभी ट्राई करोगे तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा पूरा, दो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें. वो बहुत दिमाग से करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा. ठीक है गलती होने के चांसेस उसमें है. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते ना सर. 100% डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम लोग एक बार घर पे ट्राई करना. ठीक है हाँ. चलो अच्छा और क्या था. हाँ बेटा अब देखो मैं तुम्हें और क्वेश्चंस भेज रहा हूँ कुछ उन ग्रुप में. पीडीएफ के अलावा भी क्या. नहीं पीडीएफ नहीं भेज रहा. हाँ पीडीएफ इसके अलावा ये तो हो गए सारे
सारे कर लिए ना, एक क्वेश्चन रह गया बस, अभी जो मैंने भेजे हैं वो देखो आप। हाँ सर, तो हम बात करते हैं स्लैब की। ये बताओ स्लैब ये रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, दो केस होते हैं और इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कि बता नहीं सकते। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट यूज करना आता है तो 100% कर लोगे। तो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, म्यू स्लैब, और यहां म्यू सराउंडिंग, सही है ना। अब दो केस कौन से हो सकते हैं, तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि यहां से मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट से आएंगे इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब यहां देखो, मैंने माना, या पहले तो शिफ्ट का फॉर्मूला बताना क्या होता है। शिफ्ट ऑब्जेक्ट है, टी साइन आई माइनस आर वाला, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज में शिफ्ट आ जाता है, तो या तो वो शिफ्ट यहां होता है या फिर वो शिफ्ट यहां होता है, पता है ना सबको। हाँ सर, मतलब अब देखो ऑब्जेक्ट, बेटा ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रेस तो ऐसे ही जाएंगी ना, सही है। तो इसमें जो शिफ्ट आएगा, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो या तो यहां बनेगी या फिर यहां बनेगी। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला सेम होता है केस में, क्या होता है, टी वन माइनस वन बाय म्यू, और यहाँ पे म्यू क्या होता है वो समझो, ये जरूरी है। तो यहां होता है सराउंडिंग, और यहां क्या होता है, स्लैब। बोलो, तो ये क्या लिख दोगे आप, इसको क्या लिखोगे, म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग, तो म्यू सराउंडिंग तो ऊपर पहुंच जाएगा और अपॉन में म्यू स्लैब। बोलो, समझ गए। अब बेटा ये बताओ, अगर इस फर्स्ट में मैं ये मान लूं म्यू सराउंडिंग लेस देन म्यू स्लैब, मतलब डेंसर कौन है, स्लैब डेंसर है, तो ये सराउंडिंग का छोटा होगा और ये स्लैब का बड़ा होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन वन, सो पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव, मतलब जो शिफ्ट होगा वो ये होगा, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा, समझ में आई। और केस सेकेंड देख लो, इफ म्यू सराउंडिंग ग्रेटर देन म्यू स्लैब, तो फिर ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, म्यू स्लैब छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, म्यू स्लैब छोटा हो जाएगा, सॉरी, तो ये म्यू स्लैब अगर छोटा हो गया तो ये ग्रेटर देन वन हो जाएगा, फिर तो फिर ये नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, समझ गए होंगे। तो करते हैं क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन इसका, थ्री फिफ्टी एट है पहला क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 358। देखो ये 20 है यहां, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह रहा है वो, देखो कह रहा है कि नहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बोला। हाँ सर। और ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब बताओ यहां देखो, ये शिफ्ट होगा इस, यहां देखो ना 10 सेंटीमीटर तो यहां पे चला ये, और फिर ये रेस जो है वो आगे भी चलेंगी अभी, है कि नहीं, ऑब्वियसली चलना ही पड़ेगा ना यार। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के टोटल डिस्टेंस जो स्लैब में कवर होगी वो कितनी होगी, पूरी 20 सेंटीमीटर कवर होगी, समझ में आई। अरे बताओ,
और ये जो इंसिडेंट रेज हैं, ये किस मीडियम में है देखना जरा, इंसिडेंट रेज इस मीडियम में है, म्यू इक्वल देखो 1 है और यहाँ म्यू इक्वल क्या है 1.5, मतलब कि ये क्या है डेंसर है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शिफ्ट आएगा। तो चलो पहले तो शिफ्ट बताओ कितना आएगा, टी मतलब 20, 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू मतलब स्लैब का 1.5 मतलब 3/2, 3 बन जा 3, 1/3 20/3, बोलो भैया मतलब 20/3 मतलब 6. कुछ मतलब यहाँ कहीं क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये इमेज बनी कौन सी I1, बोलो क्लियर है सर, डेंसर है तो राइट साइड बनेगा ना, डेंसर है तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, तो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही तो यहां जाएगी ना इमेज, यहां क्यों जाएगी, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में इस तरफ पॉजिटिव। अरे बोलो, रेयरर से डेंसर में नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, मतलब हम तुम्हें पूरा फिर से वो बताएं डेरिवेशन बताएं। सही है सही है सही है, आगे आगे आगे, नहीं नहीं बताओ तुम बता आगे सर। चलो तो यहाँ पे ये इमेज बन गई आई वन, अब ये बताओ ये इमेज इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम, आई वन इज ऑब्जेक्ट कौन सा, एक्चुअली में ये रेज इससे आएंगी यहाँ पे, इससे जो है ना वो रेज ऐसे मिलेंगी, पता ऐसे मिलेंगी रेज, ऐसे ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी रेज यहाँ, और यहाँ मिलके रुक थोड़ी जाएंगी, आगे जाएंगी और का, बोलो तो भैया ये क्या हुआ आई वन, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट, रियल ही तो है ऑब्जेक्ट और मिरर। चलो अब इसके बारे में बेटा कुछ दिया था, देखो क्या दिया था, फोकल लेंथ है आर बराबर 18 है, इसकी आर जो है वो 18 है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी माइनस की 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और यू कितना बचेगा आप जरा बता दो, यू की वैल्यू कितनी होगी आई वन तक की डिस्टेंस, आई वन तक पी से, बोलो यार तो ये कितना है देखो ना, यहां से यहां तक दिया है, फटाफट किया करो, कितना दिया ये 20 + 10 - 6.7 हाँ बिल्कुल 20 + 10/3 बिल्कुल क्लियर है, यू बराबर हो गया 20 + 10/3। अब ये बताओ पॉजिटिव के नेगेटिव, तो यहाँ से मेजर होगी डिस्टेंस ऐसे और इंसिडेंट ऐसे आ रही तो नेगेटिव आएगा ये, तो वी कहाँ होगा पता नहीं, एफ कितना है माइनस का 9 सेंटीमीटर है, ये आएगा 20 + 30 = 70/3 सही है, तो लगा दो फॉर्मूला 1/F मतलब -9 = 1/V पता नहीं, और +1/U माइनस का 70/3 तो 1/V बराबर हो जाएगा 3/70 - 1/9। अब बताओ अब सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ कितना आएगा, अब यहाँ से ये रेज जो है सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आएगा, कितना आएगा बोल सॉल्व करो इसको, ये आएगा -14.65 बिल्कुल ठीक है सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव आया इसका मतलब यही बनेगी इमेज है ना, कितनी दूर 14.6 सर, हाँ बोलो सर, अगर वो 20 से ज्यादा आता, हाँ बोलो बोलो, इन केस अगर सर अपना वी 20 से ज्यादा आ जाता, हाँ हाँ बोलो ना, तो वो वापस रिफ्रैक्ट होता था, हाँ वापस रिफ्रैक्ट हो जाता ना, हाँ बिल्कुल, अभी इसमें भी होगा वो, तो इसमें भी होगा ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है अभी, अब ये आंसर नहीं है, यहाँ पे इमेज बनी ये I2 है, ये देखो रेज फिर जाएंगी यहाँ स्लैब से टकराएंगी, स्लैब तो बड़ा ही है इमेजिन करना पड़ेगा,
अब फिर देखो इसमें ये डेंसर है तो इंसिडेंट रे ये है, अब इसमें तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इसमें शिफ्ट आएगा, मतलब ये फिर से 6.7 सेंटीमीटर, अरे ये कितना था, हाँ 6.7 सेंटीमीटर इसमें फिर शिफ्ट आएगा, मतलब यहाँ फाइनल इमेज बनेगी और ये वाली रेज कुछ ऐसे निकलेंगी। देखो ये जब स्लैब से बाहर निकलेंगी ना ये रेज, तो यहां से आती हुई ऐसे निकलेंगी। बोलो समझ में आ रही बात? तो एक और बात बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ये रेज ऐसे जा रही हैं, तो ये स्लैब से पास होंगी तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनाएंगी, इस तरफ शिफ्ट करेंगी ना इमेज में, क्योंकि इंसिडेंट रेज ये है, तो कितना शिफ्ट करेंगी, जितना इसमें हुआ था ये वाला उतना ही अब इसमें यहाँ होगा, तो फाइनल डिस्टेंस जो होगी वो इमेज की 14.6 प्लस 20/3 इतनी होगी। अच्छा सर, और वो राइट साइड इसलिए हुआ क्योंकि अपना डेल्टा एस पॉजिटिव आया। क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट, हाँ राइट साइड इसलिए शिफ्ट हुआ ना क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव आया था। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, इंसिडेंट राइट साइड शिफ्ट होगा क्या? नहीं, डेल्टा एक्स पॉजिटिव आया इसका मतलब राइट से मतलब नहीं है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव है इसका इंसिडेंट मतलब रेज की डायरेक्शन डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ देखो ये वाला जो शिफ्ट आया था वो भी तो पॉजिटिव आया था, लेकिन तुमने तो यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट कराया था, एक्चुअली में इंसिडेंट रेज का रेफरेंस होता है हमारे पास। हाँ ओके, चलो बेटा इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इमेज राइट में शिफ्ट होगा क्या ये वाला? हाँ हाँ भाई, यहाँ शिफ्ट होगा, इसकी जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी रेज ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रेज ये है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ आई रेज यहाँ से टकरा के ऐसे जा रही है, तो इसी तरफ शिफ्ट होगा ना सर? हाँ बोलो सर। सर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो ऐसा देखो ना, ऐसा लग रहा है मेरे को पीछे जाएगा। क्या होगा टुवर्ड्स द? अरे भैया हम टुवर्ड्स द नॉर्मल, यार फिर वही बात हो गई ना, मैं तुम बोलो तो मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, और क्या है लो, अब ये तो वही है कि थ्योरी की बात है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, वैसे मेरा काम नहीं है इसको प्रूफ करना, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ प्रूफ, तुम्हें लग रहा है ना जो बिल्कुल गलत ही लगता है तुम्हें, देखो उल्टा लगता है तुम्हें, बताओ अच्छा क्या करना है, यहां से एक रे भेजें, बोलो जल्दी से। हाँ, 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 हाँ। चलो ये टी है, कितना सिंपल सा है इसको, तो तुम बिल्कुल आराम से समझ सकते थे खुद ही, देखो ये नॉर्मल बनाया, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ डेंसर है ये, तो कहाँ जाएगा ये? टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलो आ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बताओ ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, अब यहाँ ये कहाँ जाए? फ्रॉम द नॉर्मल और लाइन के पैरेलल हो गया, क्योंकि ये एंगल और इस एंगल को बराबर करना हो गई वो, तो क्योंकि ये और ये बराबर है तो ये स्नेल्स लॉ से ये भी बराबर होंगे, तो ये इसके पैरेलल ऐसे जाएगी, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल पूरा स्लैब के थ्रू पास कर दिया, क्या मतलब ये यहां से जाएगा यहां मिलेगा। थैंक यू सर, समझ में आया? तो इस तरफ शिफ्ट हुआ। हाँ पूरा समझा सर। चलो पर्याप्त है, और मैंने जो क्वेश्चंस और भेजे हैं वो आप ट्राई करो, बाकी मैं हम लोग कल सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके सर, हाँ बोलो। हाँ सर, अगर अपना पहला इमेज 20 से ज्यादा और 40 से कम आता, 20 से ज्यादा और 40 से कम, हाँ कोई दिक्कत, स्लैब के अंदर ही आता, तो सर दो बार रिफ्लेक्शन देखते हैं। ये वाला भी तो वही है ना, देखो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आया है ना, तो आपने शिफ्ट कितना किया, वही हुआ ना 20/3, क्योंकि वो तो पूरा ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा रे को, तो नहीं सर, कॉनकेव के बाद जब रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, उसके बाद ही अगर अपना स्लैब के अंदर ही आती है, शिफ्ट होने के बाद भी स्लैब के अंदर रहे तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है, वो तो तुम्हें जो फॉर्मूले से जो आएगा शिफ्ट, मान लो यहाँ पे आ रहा था ऑब्जेक्ट, तो शिफ्ट निकालो तुम वहीं पे इमेज बनेगी, देखो ये बनी ना इमेज, इसमें यहाँ पे था ऑब्जेक्ट यहाँ बनी, क्लियर सर? अब जैसा अपन आपका आई टू बाहर बना है ना, हाँ ये आई टू बाहर है, हाँ अगर वो स्लैब के अंदर बन, अगर वो स्लैब के अंदर बनता तब भी हमको मैं तो सब कुछ यही करता, क्योंकि इसका जो मिरर है ना, मिरर की फोकल लेंथ किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, उसका फॉर्मूला हमेशा यही लगता है, ये वाला आ गया। ओके, ये मिरर में लेंस में चेंज होता है सब, मिरर में कुछ नहीं बदलता। थैंक यू सर, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में।
डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन पढ़ के आना तुम लोग, ठीक है? सर इसके ऊपर एक असाइनमेंट है। क्या कह रहे हो? एक असाइनमेंट है किसी ने। असाइनमेंट में क्या? जोर से बोलो यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे वो बोल रहा है कि एक असाइनमेंट है। हाँ बिल्कुल 100% बेटा, असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया है, देखो तुम, असाइनमेंट हो चुका है। सर हो गया। रे ऑप्टिक्स का असाइनमेंट अपलोड हो चुका है 30 क्वेश्चन का, और थर्मोडायनेमिक्स का किया तुमने 30 क्वेश्चन का। हाँ सर वो भी कर ले। चलो ठीक है, अभी एक आज मैं आज करो एक रे ऑप्टिक्स वाला, एक और अपलोड करूंगा मैं, वो एडवांस का कर दूंगा, ठीक है? चलो ओके। आज करने के क्या चीज़ आज की ये क्वेश्चन है वो आज ठीक है हाँ करो आज तुम लोग ट्राई करो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ सर ओके बाय सर बाय।